हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अनदर दिस एपिसोड। तो आज मैंने बहुत बड़ी रिक्स ले लिया है और ऑर्डर नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन आया तो फरीदाबाद का। तो ये वजीरपुर से फरीदाबाद में लेकर के जा रहा हूँ और मेरे साथ एक और राइडर है, देखिए चलाने की जरूरत नहीं। जो ये जा रहे हैं नेहरू प्लेस जाएंगे तो वहीं आपस का सिमिलर रूट मिल रहा है, तो मैंने कहा चलो साथ में चल लेते हैं। तो ये भाई चले जाएंगे नेहरू प्लेस और मैं उससे आ जाएंगे फरीदाबाद तक तक चौबीस। तो यहाँ से एक डेढ़ घंटे का टाइम लगेगा और जाने में, और यहाँ पे रूट बहुत लंबा दिखा रहे घूमेगी हमारे यहाँ शॉर्टकट रास्ता निकाल देंगे, क्योंकि जो मैप है ना वो आप लोग बहुत ही ज़्यादा घुमाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग चलो। एंड इसके बाद में कि अपना रूट मैंने ढूंढा तो मेरे को बीच बीच में रास्ता में जहाँ से मेरे को 8-9 किलोमीटर कम करा, कम चलना पड़ा है गाड़ी चलेगी। और ये भी बाइक जा रहा है उसमें तो मैंने यहाँ चले जाएगा लंच कर लिया है, खाना खा लिया है एंड एक ऑर्डर आ गया है कालकाजी का, तो वो मैं कालकाजी लेके जाऊंगा। इससे पहले पिकअप के लिए जा रहा हूँ एंड पिकअप इसी के अपोजिट साइड है यहाँ से 200 किलोमीटर। तो मैं अभी क्या करूँगा, रॉन्ग साइड जाऊँगा। तो कर लिया है रॉन्ग साइड, बस यहीं पे कुछ दूर पे है। नंबर 203। तो दोस्तों और ये पार्सल मैंने पिक कर लिया और इसको हम लेके जाएंगे कालकाजी गोविंदपुरी एक्सटेंशन। 296 रुपये का है और इस पार्सल को आने से फोन नंबर टाइम दिखा रहा है, यहाँ से 26 किलोमीटर है। जब तो वहीं मैं 50 किलोमीटर ऑर्डर लेके आया, पार्सल लेके आया और यहीं पे उसका 493 दिया और यहाँ पे देखो इसका 296 रुपये दिए 26 किलोमीटर का, तो इसलिए मोटर का कंडीशन मिलता है आप 95% बता दें मोटर का कंडीशन जो है वो अपना ठीक है। मतलब यही कारण है कि दिल्ली से बाहर जाऊँगा, अब क्या करूँ, ऑर्डर आ गया सुबह सुबह तो निकलना पड़ा मेरे को, मैंने वाली कल ही जाता हूँ निकल गया हूँ। तो दोस्तों आ गया हूँ उसको देने के लिए और ये है बोला स्टोर पर लाने के लिए, तो चलो इसको लेके चलते हैं। तो ये नेहरू प्लेस से ओखला में नहीं मिला ऑर्डर वो जो लेके आया था। वो जो स्कूटर में दोस्तों ऑर्डर आया था मेरे पास, वो काफ़ी ओवर साइज था और ओवर वेट भी था, तो मैंने एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया है। तो उसके वाला कस्टमर ने बोला कि नहीं है उसके वाला कि नहीं है, फिर क्या हुआ कि आईडी मेरा ब्लॉक कर दिया और अब मेरे पास आ गई यहाँ का। उसके बाद वहाँ पे ऑर्डर कोई बजा नहीं और ऑर्डर नहीं आया, उसके कारण मैं क्या किया
निकल गया। ये नेहरू प्लेस आने के बाद मेरे पास ऑर्डर आया एक फैजा डबर ट्यूब ऑर्डर का, और एक आया मेरे पास रोहिणी दौलत के शाहजहाबाद। तो मैं शाहजहाबाद दोस्तों, वो जो स्टूडेंट पे जो ऑर्डर मेरे पास पार्सल आया था ना, वो बेसिकली एक्चुअली क्या था कि वो ओवर साइज और ओवर वेट था, 255 रुपये का पार्सल था। मैंने बोला कि 100 एक्स्ट्रा चार्ज लूँगा। अब उसने क्या किया, कस्टमर डायरेक्ट कस्टमर केयर को कॉल कर दिया कि ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। मैंने कहा भाई एक्स्ट्रा चार्ज दोगे तो ले जाऊँगा, नहीं तो अपना कैंसिल कर लूँ, जो करना है कर रहा हूँ, क्योंकि ये ओवर साइज ओवर वेट है, इसलिए मैं मुझे मिल जाऊँगा। हाँ वो बिल्कुल गाँव प्लस बिल्कुल मुझे जाना था। मैंने कहा उधर ही घर काफ़ी है बगल में, और मैं इसको टिकट कर मैं दे देंगे, फिर मैं अपना घर निकलूँगा। तो इसने नहीं किया, और उसका जो वही मैं दे दिया 5 मिनट, फिर वहीं का दूसरा राइडर आया और बंदे ने उसको 100 रुपये दिया एक्स्ट्रा चार्ज। ऐसे ऐसे कस्टमर होते हैं भाई, मैं कहता हूँ कस्टमर को कभी दया करो हिम्मत, जो लेना है ले लो। फिर मैंने उसके बाद कहीं वेट किया और इंडस्ट्री एरिया में ऑर्डर नहीं आया, तो मैं ये सोच रहा कि यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है, और यहाँ वहाँ से 5:30 बजे निकल गया मैं नेहरू प्लेस, वहाँ से 4:30 किलोमीटर था नेहरू प्लेस, तो मैंने कहा क्या यहाँ से नेहरू प्लेस निकल गया। अब तो नेहरू प्लेस आने के बाद तो मेरे पास जो ऑर्डर आया वो बदरपुर बॉर्डर का आया। मैंने कहा भाई इसको मैं तो ले नहीं जाऊँगा, बदरपुर जाऊँगा नहीं, ऐसे तो ना ऑर्डर मिले, तो मैंने उसको मिस कर दिया ऑर्डर को, उस ऑर्डर को। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास जस्ट 4 से 5 मिनट बाद मेरे पास पार्सल आया। भाई साहब आप सुन के हैरान हो जाओगे, बता दूँ सच्ची में, चलो बता ही देता हूँ। वो मेरे पास जो पार्सल आया 396 रुपये का, और आप गैस कर सकते हो किस साइड का ऑर्डर है और कहाँ पे जाना है। गैस करो गैस करो। वैसे तो आप नहीं कर पा रहे, तो मैं बता देता हूँ आपको, वो मेरे पास जो पार्सल आया तो दोस्तों 7 बज गया है, और दिल्ली टेक्निक टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में आगे देना लैपटॉप, तो दे दिया हूँ इस लैपटॉप में, और घर की तरफ से जो आया बस आई डी अभी भी ऑन है, बाकी देखता हूँ घर की तरफ का ऑर्डर मिल गया तो ठीक है, लेकर के उस पर निकल जाएंगे, और अगर नहीं मिला तो फिर भी घर पहुँचना है, गाड़ी भी हुई है आपको, और आपको मैं आगे दिखाऊँगा 8 घंटे 8.5 घंटे में 9 घंटे में जितनी की अर्निंग हुई है, तो मैं चलूँगा हवाई के वेट करने की सब ऑर्डर आ गया क्या पता, तो रोहिणी भी आया, बोलिए मैंने फ्लैक्स नहीं पाया, तो सुबह भी आए।